हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको ज़रूरी चीज़ बता दूँ कि मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, और अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत ही रूल सिंपल है, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। पूरा वीडियो आप देखिए, तब मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या 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 आपको करना होगा। बहुत ही सिंपल है। तो मैं निकालूंगी, 10 विनर्स होंगे मेरे इस गिव अवे में, क्योंकि मैं 10 विनर्स रख रही हूँ। मैंने पहले भी गिव अवे किया था, बट उसमें किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं पार्टिसिपेट, तो आप इस वीडियो में बने रहें और देखिए कि मैं क्या क्या रूल आपको बताती हूँ, क्या क्या आपसे बोलने वाली हूँ। और ये जो वीडियो है, तो गिव अवे की बात मैं बाद में करती हूँ। चलिए अब मैं बताती हूँ कि ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, और आपको ये फेस पैक आप जो भी स्किन पे अप्लाई करेंगे, ये फेस पैक बहुत ही अच्छी, क्योंकि आपके अगर दाने हो रखे हैं, क्योंकि मैं दाने पर आजकल कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जो आजकल का वेदर चल रहा है बहुत ही बेकार है, बहुत ही गंदा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं फेस पर, और ऐसे नहीं दिखाई देते हैं वो, लेकिन जब मैं फेस को वॉश करती हूँ, मेरे जैसे वो घमोरी होती ना, उस टाइप के मुझे फेस पर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी से बहुत ज़्यादा मेरे फेस पर हो रहा है। बट मैंने ये वाला जो फेस पैक लगाया, उससे थोड़े थोड़े से, और जो पहले भी यूज़ किए हैं, उससे धीरे धीरे जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये तो दाने भी ना रहें, और मेरे फेस पर एकदम अच्छा सा ग्लो भी आए, और ये दानों की जो निशान वगैरह जो हो जाते हैं, स्पॉट्स छोड़ जाते हैं ना, वो ना हो। तो इस वजह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। और आपको ये 15 या 20 मिनट्स के लिए पैक को अप्लाई करना है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। लाइक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा न्यू वीडियो का, बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन के बाद आप उस पर भी हिट करिएगा, तो आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको चेकआउट कर पाएंगे, न्यू वीडियो मेरा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहती हूँ वीडियो, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। चलिए फटाक से देख लीजिए आप लोगों को कि ये किस तरह से बनाना है, किस तरह अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये कोकम्बर का फेस पैक। तो इसको आपको हाफ ले लेना है, इसको कोकम्बर को हाफ कट करके इसको आप इसको पील के साथ ही ले सकते हो, इसके छिलके के साथ ही ले लेना है, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं आपको, और ब्लेंडर जार में डाल लीजिए। और थोड़ा सा ले लूँगी मैं एलोवेरा, जो लीफ होती है, जो फ्रेश एलोवेरा लीफ ही आपको लेनी है। तो मैं इतना ही ले रही हूँ, क्योंकि इनफ है इतना आपके फेस के लिए। और इसमें से जेल निकाल लूँगी मैं, और इसको भी आपको ब्लेंडर के ब्लेंड जार में डाल लेना है। तो इस तरह का पेस्ट आपको मिल जाएगा, पेस्ट आपको इस तरह का ही मिलेगा, लेकिन मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाटरी कंसिस्टेंसी थी इसकी, तो मैंने इसमें डाला है कायोलिन पाउडर, और ये गुड वाइब्स का कायोलिन पाउडर है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है, तो आप इसका रिव्यू देख सकते हैं रिचा रॉयस चैनल पर। तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है, गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं, तो आपको परचेस लिंक तो मिल ही जाएगा, और इसका जो रिव्यू है, तो वो भी आपको देखना है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मैंने यही डाला है। अगर आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हो इस पैक में, या फिर आप आटा डाल सकते हैं, या फिर आप चने का आटा डाल सकते हो, यानी कि बेसन डाल सकते हो। और मैंने थोड़ा सा लेमन डाल रखा है इसमें, थोड़े से 2-3 बूंदे ही डाली हैं मैंने, और इसमें ऐड किया है मैंने रोज़ वाटर। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड किया है, और इस तरह का ये पेस्ट बन गया है। इस तरह से ही आपको यूज़ करना है अपने फेस पर। तो अच्छे से ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, कुकम्बर का जो कुकम्बर है, वो अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट करके आपको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आपको जो दोनों ही चीज़ें जो ब्लेंडर में ब्लेंड अच्छे से हो जाएं, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें इसमें डालकर इस तरह से आपको इस तरह से बना लेना है ये पेस्ट। पेस्ट क्या मतलब, इस तरह से पैक बना लेना है, उसके बाद अप्लाई कीजिए। आपके बिल्कुल फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, और एंटी एजिंग फेस पैक है ये, तो बहुत ही अच्छा ये काम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैंने लेमन इसमें ऐड किया है, और इसमें आप मुल्तानी मिट्टी डाल ही सकते हो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो मैंने सबसे अच्छी चीज़ है कायोलिन पाउडर, तो मेरे पास कायोलिन पाउडर था, तो मैंने वो ऐड कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इसको लगाना कैसे है।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैं लगा लेती हूँ ये पैक, और ये एंटी एजिंग पैक बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो इसको आपको मैं फेस को वेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा वाटरी वाटरी सा है, तो इसी तरह से अप्लाई कर लेना है। और अगर आपका ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो उसके ऊपर से एक बार और अप्लाई कर लीजिए। और कुकम्बर में होता है बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रीजेंट होता है इसमें, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है आपकी स्किन पे, थोड़ी ठंडक भी प्रोवाइड करता है, और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कुकम्बर। तो आपको इसको हमेशा अपने पैक्स वगैरह में यूज़ करना चाहिए, या फिर आप बॉडी पॉलिश में कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसमें भी यूज़ करना चाहिए। और एलोवेरा भी बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन पे सूट करे तो आपको इसको हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो मैंने इसमें एलोवेरा डाला है, तो मेडिसिन होती है, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें, में वो बहुत ही अच्छा होता है स्किन को, बहुत ही ठंडक अच्छा तो रहता ही है, क्योंकि वो आपकी एंटी एजिंग में भी काम करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को सूदिंग प्रोवाइड करता है। मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो, और मैंने इसमें थोड़ा सा वो भी डाला हुआ था, तो भी इतना वाटरी वाटरी सा है, तो ऐसे ही रहने वाला है ये। और अभी मैं इसको इस तरह से अप्लाई करूँगी, देखिए इससे लगा रही हूँ तो अच्छे से लग जा रहा है ये। वाटर ऐड किया है इसमें, लेमन यूज़ किया है इसमें। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो लेमन को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर मैंने लेमन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसमें आपको ब्लीचिंग एजेंट होता है वो, इस वजह से मैंने लेमन यूज़ किया है। तो मैं मिलती हूँ इसको लगाने के बाद, और ड्राई हो जाएगा तब दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये फेस पैक सूख गया है, और हो गए मुझे 15 से 20 मिनट, तो मैं अब इसको वॉश कर लेती हूँ, और आपको रब करके ही निकालना है। और मैंने हैंड पर भी अप्लाई कर लिया है, तो देखिए मेरे हैंड भी क्लीन दिख रहे हैं, एकदम ही क्लीन है। तो अब मैं अपने फेस को वॉश करके मैं आपको समझाती हूँ, अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, एकदम ही क्लीन हो गया है मेरा फेस, और मैं अब इसको ड्राई कर ले रही हूँ। देखिए यहाँ एक ये दाना हो रहा है मुझे, अभी इसको निशान हो जाएगा, पता नहीं कैसे हो रहा है। तो ये देखिए एकदम क्लीन हो गया है मेरा फेस, और जितने भी दाने थे वो थोड़े से अच्छा दिख रहा है उसमें, ऐसा दबे दबे से दिख रहे हैं। और मेरी आईज बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, आई होप वो आपको दिख ना रही हो, क्योंकि मेरी आईज में थोड़ा सा जो दाना टाइप नहीं हो जाता है अंदर की साइड में, वो हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है मुझे। चलिए मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से इस पैक को बनाना है और कैसे यूज़ करना है, तो आप इसको डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हो, आप डेली में लगा सकते हो, रोज़ सुबह में या शाम में लगा सकते हैं, एक मिनट, रोज़ सुबह या शाम में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये जो फेस पैक है बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है, और इससे आपके फेस के जितने भी स्पॉट्स वगैरह होंगे वो तो धीरे धीरे कम हो ही जाएंगे, लेकिन ये आपके अगर ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको रेगुलर लगाते रहते हैं तो इस ऐसे ही है ये वीडियो, मतलब ऐसा ही है ये पैक। सॉरी पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना, इस वजह से कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ये पैक बहुत ही अच्छा है, आप इसको एक बार लगाइए, एक बार यूज़ करके देखिए, अगर आपकी स्किन पे थोड़ा भी हेल्पफुल रहता है ये, अच्छा लगता है ये पैक, तो आप रेगुलर लगा सकते हो, रेगुलर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बता देती हूँ कि गिव अवे में आपको किस तरह से क्या करना है। आपको गिव अवे में आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप हमेशा मेरे चैनल पर आइए, मेरा वीडियो देखिए, उस पर कमेंट कीजिए, तो यही है रूल, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, तो वो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, और चैनल पर मेरे सब्सक्राइब करवाइए, तो मैं आप लोगों के 10 विनर्स अनाउंस करूँगी। तो जैसे ही मेरे 10 विनर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब रेगुलर जो मुझे फॉलो करेंगे, जो मुझे कमेंट करते रहेंगे रेगुलरली, मैं देखूँगी कि हाँ आप मुझे
कमेंट कर रहे हैं, हर वीडियो में कमेंट रहेगा मेरे। और वॉच कीजिए मेरे वीडियोस को, वॉच टाइम लीजिए और बढ़ाइए मेरे वॉच टाइम को और मेरे वीडियोस के वॉच टाइम को बढ़ाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यही है, बस इतने छोटा सा सिंपल सा रूल है। और मैं 10 मिनट्स आपको मतलब विनर बनाऊंगी, 10 विनर्स होंगे इस गिव अवे में। तो अभी मुझे पता नहीं है कि कैसे इसको कैसे कंप्लीट करना है, बट मैं कोशिश करूंगी कि ये जल्दी से ही जल्दी हो जाए। और अगर जैसे ही आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक शेयर मेरे बढ़ जाते हैं और मुझे मेरे कमेंट हर वीडियो में होगा, तो मैं डेफिनेटली ज़रूर से ज़रूर निकालूंगी ये 10 विनर्स। और मुझे हर वीडियो में चाहिए है अपने कमेंट, हर वीडियो में, चाहे वो पुराने वीडियो हो या नए वीडियो हो। तो आप लोग उसको चेकआउट करते रहिए मेरे वीडियोज़, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों। तो मुझे कमेंट करके बताइए आप किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं और किस तरह की आप कौन से वीडियोस देखना है, प्रोडक्ट रिव्यू देखने हैं या पैक वगैरह देखने, किस तरह के मेकअप से रिलेटेड है या किस तरह के हैं, तो आप लोग मुझे बताइए। तो चलिए, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और जैसे ही बेल आइकन आएगा, सब्सक्राइब के बाद ही बेल आइकन आएगा आता है, तो उसको भी जरूर हिट करिएगा। जैसे ही हिट करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का, आप उसको भी चेकआउट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल।